बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसाना के किचन में स्वागत है आप लोगों का। आज की हमारी रेसिपी चिकन टिक्का बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनने वाली है। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, घर के मसालों से इतनी अच्छी टेस्टी बिरयानी बनेगी। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमने इसे किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो हमने चिकन ले लिए, चिकन के मैंने बड़े पीस कराए हूँ। चिकन टिक्का बिरयानी में ना बड़े पीस अच्छे लगते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ही टेस्टी और अच्छी बिरयानी बनती है, ये देखिए इस तरीके से। 1 नींबू का रस डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि टमाटर भी जाएंगे, दही भी। अब ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डालेंगे हम, 3 टेबल स्पून इसमें ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डालेंगे क्योंकि टिक्का बिरयानी है, थोड़ा टिक्का तो लगने चाहिए ना। ये डाले हमने। अब दही ले ली हूँ मैंने, 100 ग्राम दही डाल रही हूँ मैं। देखो ये रही, इस तरीके से हमने दही डाले। अब ड्राई मसालों में मैंने ले ली हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून है गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून है हल्दी, 1 टेबल स्पून है रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून है चाट मसाला। ये बिरयानी मसाला ले ली हूँ, टिक्का मसाला जो होता है ना, ये 2 टेबल स्पून है। फूड कलर है ये 1/2 टेबल स्पून। कसूरी मेथी ले ली हूँ मैंने 1/2 टेबल स्पून की इतनी। कसूरी मेथी से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। मैंने 1 टेबल स्पून ली हूँ ये। अब अच्छे से सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से मसाले सब डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको। अच्छे से मसालों को सब मिक्स कर लूँगी मैं और इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन पे हम रख देंगे ढक के। चिकन को मसाला अच्छे से लग गया है, अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। 1 किलो चावल ले ली हूँ मैंने, ये बासमती राइस है, ये बहुत ही अच्छे चावल है, ये बिरयानी इसकी बहुत टेस्टी बनती है। इसको भिगो लेंगे हम 1/2 घंटे के लिए। अब ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी, जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई करी थी उसी ऑयल में मैं चिकन को फ्राई करूँगी। ये देखिए इस तरीके से चिकन के पीस डालेंगे हम और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट एक तरफ भी पड़े रहने देंगे, इसको हिलाएंगे नहीं तो इसका मसाला पूरा इसमें चिपक जाता है, तो वो निकल जाएगा मसाला चिकन के ऊपर से। तो सभी चिकन को मैं इसी तरीके से डाल के फ्राई कर लेती हूँ। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है देखिए, अब हम इस चिकन को निकाल लेंगे और बाकी का चिकन भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, मैंने एक थाली में चिकन को निकाल ली हूँ। अब चिकन को हम साइड में रखते हैं और इसके लिए हम पानी बॉईल कर लेते हैं चावलों के लिए। तो चावल के लिए मैंने रख ली हूँ 1 देगचा, देगचे के अंदर पानी भर ली हूँ चावल के। अभी इसमें एक बॉईल आने देते हैं, कुछ भी मसाले अभी हम नहीं डालेंगे, बॉईल आने के बाद डालूँगी। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया, अब खड़े गर्म मसाले इसमें शामिल करेंगे। 2 तेज़पत्ता डाली हूँ, दालचीनी का टुकड़ा, 1 चक्रफूल डाली हूँ बादाम का, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 4 से 5 हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च ये डाली हूँ 10 से 12, और 1 जावित्री का फूल डाली हूँ छोटा सा, और बड़ी इलायची डालेंगे 2 इसके अंदर, और थोड़ा सा कोथमीर, थोड़ा सा पुदीना। अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे, देखिए इस तरीके से अच्छे से बॉईल आ गया ना। नमक भी डाली हूँ मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना जितना नमक आप खाना पसंद करते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल रही हूँ मैं इसमें, जिससे कि चावल टूटेंगे नहीं और चिपकेंगे भी नहीं। अब इसमें हम चावल को शामिल कर देंगे और अच्छे से चावल को मैं 80% तक का चावल को पका लूँगी, क्योंकि हम इससे ज़्यादा टाइम दम पे नहीं रखेंगे ना, बस चावल जो इधर पक जाएंगे और वो 10 मिनट में दम पे रखूँगी। तो चलिए चावल डाल दी हूँ मैंने अब इसमें और हिला लेंगे हम। चावल को हमने डाल दिया, अब हल्के हाथों से हमें हिला लेना है, इसे ज़्यादा तेज़ हाथ से नहीं हिलाएंगे नहीं तो चावल टूट जाएंगे। अब मसाला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख ली हूँ, कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाली हूँ, जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई करी थी वही वाला ली हूँ। अब अदरक लहसुन का 3 टेबल स्पून भर के मैंने ली हूँ अदरक लहसुन, ये अच्छे से हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे हम। इसकी अदरक लहसुन की खुशबू मसालों में बहुत अच्छी आती है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े ले ली हूँ, 2 बड़ी इलायची ली हूँ, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता, 1 चक्रफूल है और 1 जावित्री का फूल है, लौंग है, दालचीनी है, ये सब डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल में पहले है ना, ऑयल में हमें खड़े गरम मसाले नहीं डालना है, नहीं तो जल जाते हैं, उसका कड़वा टेस्ट आता है, इसलिए मैं बाद में डालती हूँ। ये देखिए इस तरीके से अदरक लहसुन भी भून रहा है, अब ये भी भून जाएगा। अब मैंने ना 1/2 किलो टमाटर ले ली थी, इस तरीके से मैंने कट करी हूँ, देखो मसाला बिरयानी में अच्छा लगता है ना, इसलिए मैंने 1/2 किलो टमाटर ली हूँ। टमाटर को हम अच्छा सॉफ्ट होने तक का पका लेंगे, जब तक का टमाटर हमारे गलते नहीं है। ये देखिए चावल भी हमारे सेट में पक गए हैं, तो चावल को हम छान लेते हैं ना।
पूरे चावल पक गए हैं। अब मैं इसको छन्नी में छान ली हूँ, देखो इस तरीके से मैंने छान के अब चावल को हम साइड में रख देंगे। अब चलते हैं मसाले की तरफ। तो मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है, देखिए। अब मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी ना, प्याज को मैंने अब फ्राई करके रख ली थी, देखो कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई है ना प्याज। प्याज को पहले से फ्राई करके रख लेना तो बिरयानी बनाने में आसानी होती है। अगर मैं अभी बनाती ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने पहले से फ्राई करके रखी। अब प्याज को मैंने 1 किलो प्याज ली थी ये, अब आधी प्याज हम इसमें डाल देंगे, देखो आधी से ज़्यादा डालूँगी मैं, और अच्छे से भून लूँगी मसालों के साथ में प्याज को। बहुत ही टेस्टी और अच्छी बिरयानी बनेगी ये, देखना आप लोग। सब प्रिपरेशन भी जल्दी से हो जाती है इसकी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अच्छे से भूनने के बाद में अब हम इसमें दही डालेंगे। तो 150 ग्राम मैंने दही ले ली हुई है, ये देखो इस तरीके से। अब गैस की फ्लेम को स्लो रख के दही को अच्छे से भून लेंगे हम। दही और टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और ये मसाला अच्छे से इसमें भूनता रहेगा हमारा, है ना। मसाला भुन गया है। ग्रीन चिल्ली पेस्ट डाली हूँ मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर। अब थोड़े ड्राई मसाले डालेंगे हम इसमें। तो 3 टेबल स्पून ले ली हूँ मैंने बिरयानी का मसाला, ये बिरयानी का मसाला ली हूँ। 2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, फूड कलर ली हूँ ये रेड फूड कलर है, धनिया है 2 टेबल स्पून, जीरे की भुक्की 1 टेबल स्पून, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ली हूँ मैंने। बिरयानी का मसाला आप कोई सा भी ले सकते हो, ये मेरा होममेड था, ये मैंने ली हूँ। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं जाके। अब अच्छे से हमें मसाला भून लेना है, देखो जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता जब तक हमें मसाला भूनते रहना है। मसाला है देखिए अच्छे से भून गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब थोड़ा कोथमीर डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे, जो हमने फ्राई करके रखे थे ना वो चिकन, ये देखिए अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे मसाला चिकन में, ये देखो इस तरीके से। अगर आपको स्मोकी फ्लेवर देना है तो आप इस टाइम पे एक कोयला जला के वो दे सकते हो, मैंने नहीं दी हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप दे सकते हो ना। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाली हूँ, 4 से 5 टेबल स्पून के इतना है। चिकन टिक्का बिरयानी का मसाला रेडी हो गया है। अब चावलों पे हम तह लगाएंगे, तो चलिए तह लगा लेते हैं हम। एक बड़ा सा देगचा ले ली हूँ, देखो मैंने इस तरीके से, उसके अंदर 1 टेबल स्पून के इतना घी लगाएंगे हम। घी को अच्छे से देगचे में फैला लेंगे, जिससे कि चावल जो हम नीचे लगाएंगे ना तह में तो जलेंगे नहीं, है ना। तो इस तरीके से मैंने फैला ली हूँ, देखो घी को, घी देगचे में अच्छे से लग गया है। अब आधे चावल को हम देगचे में नीचे इस तरीके से बिछा लेंगे, क्योंकि हमें तह देना है ना अभी, तो पहले मैं चावल नीचे बिछा रही हूँ, ये देखो इस तरीके से। चावल को बिछाने के बाद हम इसके ऊपर मसाला शामिल करेंगे। देखिए चावल को अच्छे से चारों तरफ फैला लेना कि मसाला हमारा सब जगह अच्छे आने चाहिए ना चावल के ऊपर। थोड़े से चावल और डालूँगी, मेरे को कम लग रहा है तो मैं इसलिए और डाल रही हूँ, और अच्छे से हम फैला लेंगे इसको। चावल अच्छे से फैल गए, अब इसके ऊपर हम थोड़ी प्याज डालेंगे, फ्राई प्याज जो थी ना वो, और थोड़ा कोथमीर, थोड़ा पुदीना टेस्ट के लिए, कि बिरयानी में ये सब चीज़ डालो ना तो बहुत ही मज़ा आता है बिरयानी के अंदर, जितनी प्याज अच्छी। अब मसाला हम इसमें फैला देंगे, देखिए इस तरीके से। मसाला तो इतना अच्छा बना था ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी ये भी। तो चलिए अच्छे से मैं मसाला पहले फैला लेती हूँ इसके ऊपर। ये देखिए मसाला अच्छे से फैल गया है। अब सेकेंड वाली हम तह लगाएंगे, तो मैंने सभी चावल को अब इसके ऊपर डाल देंगे हम, देखो इस तरीके से। चावल इतने अच्छे बने थे, खुले खुले से बहुत ही अच्छे चावल बनके तैयार हुए थे। देखिए सभी मसाले, चावल को मैं फैला लूँगी मसालों के ऊपर, है ना। अब थोड़ी सी प्याज और इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा कोथमीर, थोड़ा पुदीना, ये देखो इस तरीके से। प्याज भी अच्छे से फैल गई, अब कोथमीर पुदीना इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा, ये देखिए इस तरीके से। बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बिरयानी बनके तैयार हुई। अब इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे, जो सभी मसाला है वो डाल देंगे। मसाले का कलर देखिए आप कितना अच्छा आया है, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया था। तो सभी मसाले को मैं इस तरीके से फैला लूँगी, जितना भी है ना बचा हुआ सब मसाला। सभी मसाले को मैंने देखो इस तरीके से चिकन टिक्का को फैला ली हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ी प्याज डालेंगे हम, थोड़ा कोथमीर, थोड़ा पुदीना, और एक मिर्ची को मैंने बीच में से, 2 मिर्ची को मैंने कट करके स्लाइस इस तरीके से डाल दी हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। 2 टेबल स्पून अब देसी घी इस पर हम शामिल करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे ढक के। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद।
ये देखिए मैंने इस तरीके से फॉइल पेपर लगा ली हूँ जिससे कि दम अच्छा होएगा ना, 10 मिनट ही दे रहा है हम तो। अब इसको ढक्कन रख के इसके ऊपर, अब मिलती हूँ 10 मिनट के बाद आप लोगों से। ये देखिए फ्रेंड 10 मिनट हो गए, अब हम इसको ढक्कन खोल के चेक करते हैं। ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दी थी और इसको ना रेस्ट पर रहने दी थी 5 मिनट। 5 मिनट के बाद हम खोल के चेक कर रहे हैं इसको, देखो इस तरीके से। तो टोटल 15 मिनट हो गए थे। ये देखिए कितना अच्छा खिले खिले चावल बने हैं ना, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है। इस तरीके से ना अच्छे से सेट हो जाती है ये। 10 मिनट हमने दम पे रखे और 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोली हूँ इसका, तो 15 मिनट होगा ना टोटल। अब इसे डिश आउट करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई आप लोगों को तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।